चलो 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 आओ। हाँ भाई, साइलेंट एडमायरर्स ना, क्या करने आए हो चौकी में? मैडम, मैं हूँ रिम्पी सिंह, उम्मीद से। क्या कह रहे हो यार, तुम उम्मीद से हो? नहीं, एक्चुअली क्या है ना मैडम, मेरी शादी होने वाली थी। तो क्या शादी टूट गई? अरे नहीं, टूटती तो तब जब होती। करतूती नाम की एक लड़की थी, उससे शादी होने वाली थी, और ये है मोंटू, मेरा साला। होने वाला? और यो दोनों, क्या थारे जबान से सुर हो रहे हैं? जी मेरा नाम नन्ने है। हाँ हूँ मुन्ने। हूँ हाँ नन्ने। मैडम, ये करतूती जो है ना, उसने एक शर्त रखी शादी के लिए कि मैं इस मोंटू को खुश कर दूं। अब इसको खुश करने के दो ही तरीके हैं। एक तो इसको डांस बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने बहुत अच्छा म्यूजिक लगा दिया और इसने डांस किया। जरा डांस करके दिखा मैडम को। बस बस बस, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। फिर उसके बाद मैंने इसके लिए बेहतरीन खाना बनाया और कल रात को इसको घर पे बुला लिया। अरे यार, रात से मुझे याद आया यार, वो ग्वार की फलियों वाला पुलाव, साग का गोश्त जो तुमने मसल मसल के बनाया यार, मुंह में पानी आ गया यार, मजा आ गया रात की बात याद करके। चुप। अरे ये सारा इसके लिए खाना बनाया था और ये खा गए दोनों। मैडम देखिए, कल रात को ये दोनों घर में घुसाए और बोलने लगे, हेलो रिम्पी, हम तेरे नर्सरी के दोस्त हैं, हम तेरे नर्सरी के दोस्त हैं, और इस बेचारे का सारा खाना खा गए। ये इतना नाराज हो गया, इसलिए मैं FIR लिखवाने आया हूँ इनके खिलाफ। मैं इन्हें पहचानता भी नहीं हूँ, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान ना। जब यो थारा सो कॉल्ड फ्रेंड ना, तेने पहचान कोई ना रहा, कह रहा है कि यो तेने जानता ना है, तो क्यों पड़ रखा तू इसके पीछे? भाई यो हमारा ऑर्डर है, इसके बाद जो है, आज के बाद तू इसने कभी तंग ना करेगा, क्लियर? भाई मिश्राला, हमें एक बात बताइए कि आप इस नेकर के इलास्टिक का कचूमर क्यों बना रही हैं? भैया साना, मैं तेरे इस नेकर में देखना चाह रही हूँ, चल जल्दी पहले। आपने शायद हमें शविता एम्पोरियम का मॉडल समझ रखा है। मैंने ना तेरे अपने दिल के एम्पोरियम का मॉडल समझ रखा, और थारा बार्डर माल फंक्शन भी हमारे सामने होगा, ही बोल। अच्छा, लेकिन अफसोस की बात यह है मिश्राला कि हम ये नेकर आपके लिए तो क्या, अरे हम खुद के लिए भी नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि हम तो पैदाइशी पैंट पहनू हैं। अरे अगर रात को हमें बाथरूम जाना होता है तो हम पैंट पहन कर जाते हैं, अरे हम नहाते भी पैंट पहन कर हैं। मजाक लग रहा तुमने, यो सब जोक हो रहा है? भैया साहब, पुलिस में जो है ना फुटबॉल का टूर्नामेंट होने वाला है ना, मैं देखना चाह रही हूँ थारी टांगे कितनी मजबूत हो रही है। ओके, चल पहन से। जाइए जाइए मिश्राला, हमें पता है कि आप कितनी अश्लील हैं, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब हमारे बाथरूम जाने का वक्त हो गया है, पहन पहन कर। एक्सक्यूज मी। अरे मक्खन सिंह, अरे नेकर तो जो है ना थारा बाप भी पहनेगा। यार तुम लोग फिर आ गए। अरे मैडम ने कहा, तुम लोग को समझ में नहीं आया क्या? भूल जाओ ये दोस्ती वोस्ती यार। हाँ भाई, तुम फिर रात को इसके घर पे क्यों गए? अरे हम दोनों दोस्त हैं इसलिए। हाँ हूँ मुन्ने। हूँ हाँ नन्ने। भाई हंसों के जोड़े, भाई मारे मना करने के बावजूद जब कोई आदमी कोई काम करे ना, तो फिर दोबारा कोई और काम करने लायक ना छोड़ती मैं उसने। सही बात है मैडम, मैं तो कहता हूँ इन दोनों को जेल में डाल दीजिए। अरे इनकी वजह से मेरा मोंटू रूठ गया, और मोंटू की वजह से मेरी बीबी रूठ गई। होने वाली? हाँ होने वाली। नहीं नहीं नहीं, पासपोर्ट मत उछाओ, क्या हुआ ये बताओ। ओके बाय। अरे हुआ ये कि मैंने एक बार फिर से खाना बनाया इसके लिए, म्यूजिक भी लगाया, लेकिन एन मौके पर ये दोनों आ गए और सारा का सारा खाना खा गए, और मेरा साला होने वाला साला रूठ गया। मैडम छोड़िएगा मत इन्हें। ऐसा मत कहो मेरे दोस्त। मैडम, हम दोनों ने कई बार सोचा कि हम इसे भूल जाएं, अपने इस खुदगर्ज और जालिम दोस्त को, लेकिन क्या बताऊं मैडम, कल 14 तारीख आ गई, वही 14 तारीख जब पहली बार हम नर्सरी क्लास में मिले थे, वही 14 तारीख जब पहली बार मैंने इसकी थर्मस का पानी पिया था। मैडम 14 तारीख को अचानक हमें याद आया कि फ्रेंडशिप डे मनाया जाए। मैडम फिर क्या हुआ, फिर मोंटू तो रूठ के चला गया, इसके पीछे मैं भी निकला,
मैंने कहा चलो स्कूटर पे फॉलो करते हैं इसको, लेकिन स्कूटर में पेट्रोल नहीं था इसलिए स्कूटर धकेल धकेल के चलना पड़ा ना। इतनी देर में ये निकल गया वहां से। मैं वापस घर आया ना तो मैं क्या देखता हूँ, ये दोनों मेरे बेड पे सोए हुए हैं। अरे मैडम मेरा इंटरनेट और फोन भी यूज किया इन्होंने, अरे कुछ इंसाफ कीजिए, मत छोड़िए इनको। हाँ मैडम आज इंसाफ हो ही जाए। हाँ मुन्ने। हूँ हाँ नन्ने। आएंगे दोनों कर्मचारी। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चिटर चिपुट्टी कर लो कुट्टी ऐड आ रहा है। आ बेटा रिंपी सिंह, आ बेटा। कष्ट करेगा थोड़ा हैं? मैं देखो यार तुम एक काम करो, आज रात अपने इन दोनों दोस्तों को घर पर ऑफिशियली डिनर के लिए बुला लो हैं? अरे हाँ यार सुनो, तो एक बार वो आ जाए फिर किसी बहाने से उनके साथ झगड़ा कर लो और कुट्टी कर लो। एक बार हो गई कुट्टी उसके बाद अब्बा करना ही नहीं। हाँ जब तुम्हारी इन दोनों के साथ दोस्ती रहेगी नहीं, पीछा अपने आप छूट जाएगा। सिंपल। You are happy? नहीं नहीं myself रिंपी रिंपी। वैसे आइडिया बहुत अच्छा दिया है। आज की रात कुट्टी की रात। जरा रास्ता छोड़ सकती हैं? रास्ता और थारे संग वास्ता कतई ना छोड़ सकती मैं। ना कर पहन ले प्लीज। अरे मिश्राला हमने कह दिया ना कि हम नेकर नहीं पहनेंगे। अरे आज आप कह रही हैं नेकर पहन लीजिए, कल आप कहेंगी साड़ी पहन लीजिए, परसों आप कहेंगे कि अरे फ्रॉक पहन लीजिए, और तरसों आप कहेंगे कि मिनी स्कर्ट। मिनी स्कर्ट, अरे मत कर मुझे हर्ट। देखिए मिश्राला प्यार से कह रहे हैं हम आपके लिए ये नेकर तो क्या कोई भी नेकर नहीं पहनेंगे, और अपने लिए भी नहीं पहनेंगे क्योंकि हम पैदाइशी पैंट पहनू हैं। एक्सक्यूज मी। और मैंने भी जो है ना तेरे नेकर ना पहना ही ना, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी चौटाला नहीं। तो यो बात है जी मैडम, म्यूजिक भी बज चुका था, ये डांस भी कर चुका था। कैसे डांस किया था दिखा मैडम को। बस ज्यादा हो गया। बस मैडम ये खाना खाने ही वाला था कि ये दोनों फिर से टपक गए और इसका सारा खाना खा लिया। यार तुमने जो भिंडी भरमा उसके साथ देसी घी के पराठे यार जो बनाए थे मजा। चुप। अरे मैडम इन दोनों ने जबरदस्ती मुझे फिर दारू पिला दी। अरे यार ऐसा मत कहो यार, एक ही बार तो कहा था। हाँ हूँ मोहन ने। हूँ हाँ नन्ने। ये क्या बात हुई यार, एक बार पूछा और तुमने पी ली। अरे अब क्या है ना सर कि कोई दारू के मामले में इंसिस्ट करे तो आप समझ रहे ना। और महाराज मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूँ, मुझे कोई इशारा करे सही बस डाल दी ना यार। संजू एंट्री बार ना मान तू नहीं यही छोड़ दे, थाली वर्दी पिना देती हूँ, तू इसका साला बन के निकल ले तू। सॉरी। हाँ भाई कंटिन्यू। बस मैडम फिर क्या था, ये दोनों मुझे दारू पिलाते रहे मैं पीता रहा, ये पिलाते रहे मैं पीता रहा, और फिर इन दोनों ने हम दोनों का झगड़ा करा दिया। और इस बेचारे को मैंने एक आध थप्पड़ भी मार दिया। एक नहीं पांच। हाँ मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है मैडम। फिर क्या है वो करतूती आ गई, उसने देखा कि मैं इसको थप्पड़ मार रहा हूँ तो 5 थप्पड़ उसने मुझे मार दिए, फिर गुस्से में आगे मैंने इसको थप्पड़ मार दिए, और ये देख रहा था हंस रहा था तो इसने उसको थप्पड़ मार दिया। मतलब ज्यादा थप्पड़ हो गए, पता नहीं मेरी शादी होगी भी कि नहीं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टंचू टंचाऊ पहचान कराऊ आइडिया आ रहा है। मैडम क्यों ना हम इनकी नर्सरी की टीचर को यहाँ बुला लें, अगर वो जिंदा हुई तो, और वो खुद ही पहचान लेगी कि ये तीनों उनकी नर्सरी में थे या नहीं। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, ये ठीक है। सही है बेटा यो आइडिया, बुलाओ टीचर ने। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज। आ
हाँ तो भाई मिस नर्सरी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, मिस हेमा अमान। हेमा अमान भाई, यो किस प्रकार का टू इन वन एक्ट्रेस नाम हो रहा? जब हम जवान थे तो हमारे कई आशिक थे। स्कूल के प्रिंसिपल हमें हेमा मान ले और वाइस प्रिंसिपल जीनत अमान कहते थे। ओह, और आपने दोनों को खुश कर दिया। हाय, चाचा। वेरी गुड इंस्पेक्टर, वेरी गुड। भैया साहब मैडम जी, कि यो जो दोनों छोरे हो रहे हैं ना, ना यो क्लेम कर रहे हैं कि यो थारी नर्सरी की क्लास में स्टूडेंट हुआ करते थे और यो भी, तो ये जो है ना, तू तीनों ने देख के ना पहचान के मन ने यो बता कि यो कभी थारे स्टूडेंट थे कि ना। गुलगुले, ये फाइल कमिश्नर साहब के यहाँ पहुंच जानी चाहिए। इंस्पेक्टर, मैंने इन लोगों को बहुत गौर से देखा पर बहुत मुश्किल है। यू नो, स्कूल में बच्चे होते हैं यूनिफॉर्म पहने, कंधे पर बैग लटकाए हुए, गले में पानी की बोटल्स लिए हुए, प्यारे प्यारे क्यूट। लेकिन अब ये लोग मुस्तंडे हो गए हैं। पर एक आइडिया है, अगर ये लोग स्कूल यूनिफॉर्म में आ जाएं तो शायद मैं आपकी मुश्किल आसान कर सकूं। अरे एक मिनट भाई, क्लियर क्लियर क्लियर। यो जो आइडिया है ना, यो बेहतरीन आइडिया से। भाई ऐसा है, सुनो भाई, भाई तुम तीनों स्कूल यूनिफॉर्म में आओगे और तीन लोगों से तो माहौल सेट होगा ना, तो इस चौकी के तमाम व्यक्तिगण इंक्लूडिंग यू मक्खन सिंह यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। ओके। अरे भाई, हम बचपन में स्कूल नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे यार? मजाक लग रहा है यो है ना? इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ मैं और कानून के रास्ते में रोड़ा बनेगा ना। तो ठीक है ठीक है, देखिए देखिए, इट इज ए मैटर ऑफ द लॉ, तो लॉ के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। ओहो, तो भाई घंटी बजाओ, क्लासरूम लगाओ। टन 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 टन। गुड गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी क्लासरूम एटमॉस्फेयर। पर भाई मारा मक्खन सिंह कहाँ है भाई, कहाँ है? रास्ता मारे रोनाल्डो, स्ट्रॉन्ग काफ मस्कल पहना दी ना मैंने नेकर। हाँ तो इंस्पेक्टर, ऑर्डर, क्लास शुरू की जाए प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज। गुड मॉर्निंग टीचर। ओके भाई ऐसा है मैडम, ईब जो है तसल्ली से तफ्तीश करके आप बता दें कि यो तीनों ना आपके स्टूडेंट रह चुके हैं कि ना। वेल इंस्पेक्टर, मैंने इन सबको ध्यान से देखा। इन लोगों ने यूनिफॉर्म तो पहन ली है पर ये मुस्टंडे बच्चे नहीं लगते। अगर ये फिर से बच्चे हो जाएं तो शायद मैं सही डिसीजन दे सकूं। भगवान हो रही हूं मैं ना, कौन हो रही हूं मैं? भगवान हूं साक्षात, जो इन्हें बच्चा बना दूं मैं। राइट, बावड़ी पूछ। मैडम मैडम मैडम, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। टीचर टीचर टीचर, पहचानी है? देखो वही वाला स्कूल, वही वाली ड्रेस है हमारी। मैडम मेरी वही वाली पानी की बोतल है जो हमेशा खाली रहती थी और आज भी खाली है। और मैडम मैडम, रिम्पी की बोतल हमेशा पानी से भरी रहती थी और आज भी भरी है। और मैडम, मैंने रिम्पी का पानी पी लिया है ना रिम्पी? मैं पानी नहीं था। तो क्या था मैडम? मेरे को सुस्त आ गई थी। मैडम 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 मैडम, इसकी बचपन से ही आदत है मैडम। इससे तो साबित होता है ना, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हाहू मुन्ने, हाँ नन्ने। देखो 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 भाई दोस्त, हम तो मान रहे हैं तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हारा ये तो रिम्पी सिंह ही नहीं मानता, तो हम क्या करें? हाँ, दोस्ती दिल से होती है, जबरदस्ती थोड़ी होती है।
भाई जब वो कह जा रहा है कि वो तुम्हारा दोस्त ना है, तुम्हें दोस्त कंसीडर ना करता, अरे तो क्यों इसके पीछे पड़ रखे हो दोनों? निकलो अपने अपने घर का, वरना देती हूँ एक रैप्टा। ठीक है मैडम, जब दोस्त ही दोस्त को नहीं पहचान रहा है तो क्या फायदा। ठीक है हम चले जाते हैं, लेकिन मैडम एक परेशानी है, हम जहाँ से आए हैं वहां जाने वाली बस तो सुबह ही जाएगी, तो हम रात में कहाँ रुकेंगे? रिम्पी हम तेरे घर रुक जाए। मैडम अरे रिम्पी इज नॉट इंटरेस्टेड लिख के देगा वो, रात गुजारने की प्रॉब्लम हो रही ना तुम दोनों की, हैं हैं? तो भैया एक काम करो ना, हमारे बालक भी जो हैं रोज नाइट ड्यूटी कर करके थक गए हैं, तुम दोनों आज रात इस थाने में ठहर जाओ, थाने की रखवाली करो, और गोपी जो है पास ही में रहता है, कोई टेंशन हो इसको एक फोन कर लेना, यू आ जाएगा, क्यों गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। गुड, क्लियर केस डिसमिस, क्लास डिसमिस। अरे मोंटू भाई यो है थारा जीजा होने वाला। हाँ तो होने वाले को जो है ना हो जान दे, क्योंकि यो एकदम सही परफेक्ट गुड लुकिंग एंड वेल कल्चर्ड छोरा हो रहा है, और थारी बहन के लिए यो सूटेबल मैच है, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। हाँ और मैडम जो गारंटी देती है वो गारंटी कभी एक्सपायर नहीं होती। लेकिन मैं कैसे मान लू? जीजू होटल का पानी मिलाओ। अरे निकलो निकलो, बस बस के शॉल, निकलो निकलो निकलो, अरे चेंज करके आओ। बाय मैडम, प्लीज लीव। ओके थैंक यू, ओके नाइस मीटिंग यू, बाय बाय टीचर, बाय, टेक केयर बॉयज। ओ मक्खन सिंह चल केबिन में चल, बात करनी है थारे से। आहा मैडम बी जेंटल। अब आएगा असली मजा, जब कल सारा शहर हिल जाएगा और पुलिस हाथ मलती रह जाएगी, क्योंकि कल सारे शहर में होगा बम का धमाका और पुलिस को अपना मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वारदात को अंजाम देने के लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट का कंप्यूटर और उसके फोन का इस्तेमाल किया है। हाँ हूँ मुन्ने। हाँ नन्ने। बॉम्ब निकाल। ये क्या नन्ने? इसमें तो आम है। अरे आम छोड़, बॉम्ब निकाल, बॉम्ब कहाँ है? बॉम्ब यहाँ है। दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, बम फट जाएगा। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, बम फट जाएगा। पीछे जाओ, पीछे। ना अपनी मौत सामने देखकर नानी मर गई, और यो बम हाथ में लेकर ना मासूम लोगों की जानों के साथ खेलते हुए आत्मा ना काफी, और हम कौन हो रहे हम? हैं पुलिस बेवकूफ और ये हलवा वाली पुलिस? अरे हमें तो जो है ना हेडक्वार्टर से पहली खबर आ गई थी कि दो आतंकवादी शहर में आतंक मचाने के लिए जो है ना बम फिट करने वाले हैं। यो तुम्हारा बम हैं? और फिर ना फिर आए तुम दोनों है नर्सरी के भरत मिलन करते हुए अपने दोस्त ना बिछड़े हुए नर्सरी के दोस्त से मिलने, बेवकूफ है हम। और जब उस रिम्पी सिंह ने बताया कि तुम दोनों ने उसके घर का इंटरनेट और फोन यूज किया है, तभी मेरे दिमाग की मेरा मतलब है मैडम के दिमाग की घंटी बजी, और मम्मी जी ने मुझे पूरे फोन की लिस्ट निकालने के लिए कहा। फिर मैंने रिम्पी सिंह के फोन रिकॉर्ड से पता किया तुम दोनों ने कहां कहां और किस किस को फोन किए। ना मैं चाहती तो पहली तुम्हें अरेस्ट कर लेती, पर ना मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाह रही थी, सो दिस इज इट, यू आर अंडर अरेस्ट। बालको इनके गले में टायर डाल के अंदर धर लो, इनका इंजन तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज सालों ने चल, वाह 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 मिश्राला, वाह कैसे स्मूथली आपने केस सॉल्व कर दिया। भाई पुलिस थाना है, वी आर कानून द पुलिस, तो भाई केस वेस तो सॉल्व होते रहेंगे, दैट इज नॉट द पॉइंट। द मेन पॉइंट इज कि मैंने तो तैने नेकर में अब देख लिया है, तो लाइफ में भी एक्साइटमेंट जो है ना कम होगी है, तो मैं तने और एक कॉस्ट्यूम में देखना चाह रही हूँ। कैसा कॉस्ट्यूम?